आज हम पढ़ेंगे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आफ्टर प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन्स डिस्कवरीज, नील बोहर, अ डेनिश फिजिसिस्ट 1913, ऑफर्ड अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। और आइंस्टाइन और प्लैंक्स की डिस्कवरीज के बाद नील बोहर ने 1913 में लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। द इम्पॉर्टेंट अजम्पशन फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। अब बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट अजम्पशन हैं नील बोहर के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नील बोहर ने अडॉप्टेड प्लैंक्स आइडिया दैट एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। तो नील बोहर ने प्लैंक्स का आइडिया उठाया और उसने कहा कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड हो जाती है। ही प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूव ओनली इन सर्टेन अलोट एनर्जी लेवल्स। उन्होंने ये कहा कि एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो मखसूस होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसी एनर्जी लेवल में होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अलोड एनर्जी स्टेट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, और उसी में होते हुए वो एनर्जी ना जज़ब करेंगे ना ही खर्च करेंगे कंटिन्यूसली, एंड देयरफॉर विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे। दैट द एटम रेडिएट्स एनर्जी एज अ लाइट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और एनर्जी तब खारिज होगी जब एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे शेल से नीचे आएगा या नीचे आएगा। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएट इज इन डिस्क्रीट क्वांटिटी कॉल्ड क्वांटा। जो एनर्जी होगी जो खारिज करेगा वो उसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी से सीधी रिस्पत रखती है। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ई टू माइनस ई वन इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। सो दिस इज़ द बोहर्स थ्योरी रिगार्डिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी।